पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत से बुरी तरह हारने के बाद ये लोग श्रीलंका के खिलाफ खेलने उतरे, लेकिन टॉस के साथ ही फैंस के साथ कॉमेडी सी हो गई। हुआ ये कि पाकिस्तान ने एक दिन पहले जो टीम बताई थी उसमें से कुछ प्लेयर इस मैच में उतरे ही नहीं, उनकी जगह और प्लेयर्स उतार दिए गए। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ, चलिए बताते हैं। श्रीलंका के खिलाफ गुरुवार 14 सितंबर को पाकिस्तान का मैच बारिश के चलते देरी से शुरू हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने इस मैच की अपनी प्लेइंग 11 बुधवार 13 सितंबर को ही घोषित कर दी थी। इसमें मोहम्मद हारिस, इमामुल हक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील, इफ्तिकार अहमद, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद वसीम जूनियर और जमान खान के नाम थे। लेकिन टॉस के बाद कुछ अलग ही नजारे दिखे। पाकिस्तान ने इस मैच में दोनों ही ओपनर्स बदल दिए। फखर जमा के साथ अब्दुल्ला शफीक ओपन करने उतरे, जबकि टीम में मोहम्मद हारिस का भी नाम था। अब ऐसा क्या हुआ, क्योंकि सबसे पहले टीम ने फखर की जगह हारिस को शामिल किया था, लेकिन बाद में पता चला कि हारिस नहीं खेल पाएंगे, जिसके चलते शफीक टीम में आए, यानी शफीक ने हारिस को रिप्लेस किया। लेकिन किस्मत देखिए, इमामुल हक की पीठ में ऐंठन आ गई, फखर को फिर से टीम में शामिल किया गया और फिर हारिस ने सऊद शकील की जगह ली। पाकिस्तान ने बताया कि सऊद को बुखार आ गया था, यानी पाकिस्तान वाले चाहकर भी अपने मन की टीम नहीं उतार पाए। हालांकि इस बात से उनकी शुरुआत पर फर्क नहीं पड़ा, एक बार फिर से जमा नाकाम रहे। 5वें ओवर में ही वो 4 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद कप्तान बाबर आजम भी 29 रन बनाकर लौट गए। शफीक ने मौके का अच्छा फायदा उठाया, 52 रन की पारी खेली, जबकि मोहम्मद हारिस 3 और मोहम्मद नवाज 12 रन बनाकर आउट हुए। 27.4 ओवर्स के बाद बारिश के चलते मैच रोकना पड़ा। पाकिस्तान ने तब तक 5 विकेट खोकर 130 रन बना लिए थे। श्रीलंका के लिए मतीशा पतिराना ने 2, जबकि प्रमोद मधुसूदन, महेश ठिक्षणा और दुलित वेलालागे ने 1-1 विकेट निकाला। बता दें कि पाकिस्तान के लिए ये मैच जीतना बहुत जरूरी है। टीम को फाइनल में पहुंचने के लिए श्रीलंका को हराना ही होगा। अगर ये मैच बारिश से धुल गया तो भी पाकिस्तान की टीम एशिया कप 2023 से बाहर हो जाएगी। पाकिस्तान को ये नुकसान भारत के खिलाफ मिली हार के चलते होगा। सुपर 4 टेबल में अभी पाकिस्तान का नेट रन रेट श्रीलंका से खराब है। टेबल में भारतीय टीम 2 मैच में 2 जीत के साथ टॉप पर है, जबकि श्रीलंका और पाकिस्तान 1-1 जीत के साथ नंबर 2 और 3 पर है। श्रीलंका का नेट रन रेट -0.200 है, जबकि पाकिस्तान का -1.892। ऐसे में ये मैच धुला तो श्रीलंका नेट रन रेट के आधार पर फाइनल में पहुंच जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है सूरज ने, मैं हूँ गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।